सिवनी के आधे गांव का किला काल भैरव के किले के रूप में विख्यात है। मराठा शासक रघुजी भोसले के दीवान खड़क भारती गोसाई ने आधे गांव की दुर्गम पहाड़ी पर इस विशाल किले का निर्माण ईंट पत्थर व चूना मिट्टी से करवाया था। 18वीं शताब्दी में निर्मित किया गया सिवनी जिले के आधे गांव का बुलंद किला आज भी वर्षों से क्षेत्र की पहचान बना हुआ है। अब लोग इसे काल भैरव के किले के रूप में जानते हैं। उस समय के मराठा शासक रघुजी भोसले के दीवान खड़क भारतीय गोसाई ने आधे गांव की दुर्गम पहाड़ी पर इस विशाल किले का निर्माण करवाया था। किले की बाहरी दीवारें आज भी मजबूती के साथ अधिक होकर खड़ी हैं। सदियां बीत गई लेकिन इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। किले में भगवान काल भैरव का प्राचीन मंदिर है जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इस किले को देखने आज भी दूर दूर से लोग आधे गांव पहुंचते हैं। किले के पीछे हिस्से में बड़ा तालाब भी मौजूद है। किले की ऊंची दीवारें चारों ओर करीब 3 एकड़ में फैली हुई हैं। बाहरी दीवार व बुर्ज को छोड़कर आंतरिक सभी संरचनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। इसका मुख्य द्वार पूर्व मुखी है जबकि दूसरा दरवाजा पश्चिम की तरफ खुलता है। हथियारों व सैनिकों के लिए आधे गांव किले का निर्माण कराया गया था। 18वीं शताब्दी में मराठा नागपुर के मराठा शासक रघुजी भोसले द्वारा उनके गुरु नर्मदा भारती द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था और उन्हीं के द्वारा इस किले के अंदर एक मंदिर का निर्माण कराया गया जिसके गर्भगृह में काल भैरवनाथ स्वामी, उदय भैरवनाथ स्वामी, वटक भैरवनाथ स्वामी, शेषनाग, अन्नपूर्णा देवी एवं गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस किले का उपयोग सैनिक छावनी के रूप में पुराने समय में करते चले आए होंगे। साथ ही ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद इसका आधिपत्य ब्रिटिश शासन ने अपने हाथ में ले लिया था। वर्तमान में सिर्फ इस किले की दीवारें ही शेष हैं। जो आंतरिक किला था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और यह किला अपूर्णतः पुरातत्व विभाग के अंडर में। इस किले में विराजमान काल भैरव, नाग भैरव व पटुक भैरव का पूजन सदियों से होता रहा है। लोग इसे दूसरा काशी के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि बनारस की तरह यहाँ पर भगवान काल भैरव की बड़े स्वरूप में प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि आधे गांव किले के इतिहास की ज्यादा जानकारी पुरातत्व विभाग के पास भी मौजूद नहीं है। अभिलेखों के मुताबिक मराठा शासक के गुरु नर्मदा भारती से यह किला उनके शिष्य भैरव भारती, धोकल भारती व दौलत भारती को सौंपा था। बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने मराठा शासकों से इस किले का आधिपत्य छीनकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। किले के पिछले हिस्से में तालाब के नजदीक श्यामलता का विशाल वृक्ष है। कहा जाता है कि दुर्लभ श्यामलता के वृक्ष की पत्तियों में श्री राधे कृष्ण का नाम लिखा दिखाई देता है। वृक्ष कब और किसने लगाया यह आज भी लोगों के लिए रहस्य की बात है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।